श्री सालासर बालाजी एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर धीरज कुमार खेतान से commoditiescontrol.com ने आंध्र प्रदेश में कॉटन के पैदावार होने के अनुमान, कॉटन प्राइस मूवमेंट और जीनर्स के मार्जिन पर पड़ने वाले इफेक्ट, इसके अलावा यार्न में डिमांड को लेकर के बातचीत की। धीरज जी, ये बताइए कि इस साल भारत में कितना कॉटन पैदा होने का अनुमान है और आंध्र प्रदेश की क्या स्थिति है? सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। इस साल क्रॉप ओवरऑल कंडीशन बहुत अच्छी है, कुछ जगह पे कम क्रॉप लास्ट ईयर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ एरिया में, कुछ स्टेट में कुछ ज़्यादा है। कम जिस स्टेट में कम हो सकता है वो आंध्र प्रदेश भी है। यहाँ अति ज़्यादा बारिश होने के कारण हम लोग सोच रहे हैं कि 10-1 लाख गांठ कम हो सकती है पिछले साल की तुलना में। और मैं तो सारे ऑल ओवर इंडिया बाइंग करता हूँ, मेरी बहुत दृष्टि सभी एरिया में रहती है और जिन जिन लोगों से बातचीत की यही स्थिति सामने आ रही है कि कुल मिला के ओवरऑल क्रॉप थोड़ी बेटर ही बैठेगी पिछले साल के मुकाबले। जहाँ तक ओवरऑल ऑल इंडिया की सिचुएशन का सवाल है तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, जिसमें पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़ा कम हो सकता है, महाराष्ट्र और गुजरात और कर्नाटक, ये तीन स्टेट ऐसे हैं जहाँ लास्ट ईयर से ज़्यादा क्रॉप हो सकता है। और क्रॉप की पोजीशन ये है कि आंध्रा में हम लोगों का प्रोजेक्शन था 75 to 80 lakhs का था, जो अभी हमारा नया प्रोजेक्शन है 65 lakhs के आसपास है, 65 to 70 lakhs है। और यहाँ का कंजप्शन भी आंध्र प्रदेश का काफ़ी बढ़ चुका है, तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। और गुजरात का और महाराष्ट्र का जो है प्रोजेक्शन है वो भी पिछले साल की तुलना में काफ़ी कुछ बढ़ चुका है। तो ओवरऑल सिचुएशन क्रॉप की लास्ट ईयर से वी आर एक्सपेक्टिंग 10 to 20 lakhs पे मोर देन लास्ट ईयर। जी, आंध्र प्रदेश में जो कॉटन आ रही है उसकी क्वालिटी कैसी और माइक की क्या स्थिति है उसमें? देखो, पानी आखिरी समय में काफ़ी गिरा और रुक रुक के बार बार आते रहा, इसके कारण ओवरऑल कंडीशन तो अच्छी है लेकिन जो इनिशियली जो क्रॉप अभी तक आया है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। माइक तो ज़्यादा है, हाई माइक है लेकिन कलर ग्रेड मार्क आ गया था, लेकिन अभी धीरे धीरे सुधर रहा है, अभी अपना मोमेंटम पकड़ रहा है, अभी थोड़ा क्वालिटी अच्छा आ रहा है और आगे जाके और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जी, ये कॉटन प्राइस में जो मूवमेंट हुआ पिछले दिनों उससे जीनर्स के मार्जिन पर असर पड़ा है, जीनर्स ये किस तरह का इस समय देखा जा रहा मार्जिन? मार्जिन तो अंडर प्रेशर है एक्चुअली, देर इज़ जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो शायद डबल हो गई होगी। इंडिया का क्रॉप 380 है, प्रोसेसिंग में भी डबल है, तो ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशन तो रहेगा। ये इट नीड टू बी फिल्टराइजेशन, जो अच्छा काम करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने सूझबूझ से काम करेंगे वो आगे जाके टिक पाएंगे। बाकी तो एवरी लेवल पे कॉम्पिटिशन, जीनर, ट्रेडर, एक्सपोर्टर्स, स्पिनर्स, एवरीबडी इन टेक्सटाइल दे आर फेसिंग कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। ये धीरज जी, कॉटन में एक्सपोर्टर्स की डिमांड इस समय कैसी देखी जा रही है और आने वाले दिनों में ये स्थिति क्या होगी? एक्सपोर्टर्स की डिमांड चाइना में हेवी स्टॉक होने से थोड़ा चाइना से कम आ रही है, ये स्थिति लास्ट ईयर की थी। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने काफ़ी कम प्रेडिक्शन किया था एक्सपोर्ट, लेकिन ओवरऑल वो शायद अराउंड 10 मिलियन के आसपास एक्सपोर्ट हो चुका था। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस साल 9 मिलियन बेल्स एक्सपोर्ट तो हो ही जाएगी। जी, और यार्न में कैसी डिमांड है और इसमें क्या संभावना दिख रही है? यार्न में लोगों ने पाइपलाइन तो खाली कर रखी है क्योंकि नया सीजन था, ऊपर से नीचे रेट आया। इंडिया में भी पाइपलाइन खाली है बायर्स के पास, चाइना में भी काफ़ी पाइपलाइन खाली है। मुझे लगता है कि यार्न की डिमांड पिकअप करेगी फ्यूचर में। जी, अगर हम ये कहें कि यार्न और कॉटन, इनमें इस समय मेजर बायर कौन से देश हैं? देखो, रेगुलर बायर परचेज कर रहे हैं, अब यार्न में भी समझो, कॉटन में भी समझो, कोई नया बायर तो है नहीं। और साउथ एशियन कंट्रीज मेन बायर है और यार्न तो ऑल ओवर वर्ल्ड जाता है, यूरोपियन कंट्रीज भी बाई कर रही है। और कॉटन जो है मेजर नेबरिंग कंट्री का मेजर बाइंग है, चाइना तो यही है, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, दे आर द मेजर बायर। जी, जनवरी में कॉटन के प्राइस मूवमेंट किस तरह देखने को मिल सकते हैं सीजन के आखिर तक, यानी प्राइस रेंज क्या रह सकती है उनकी? सीजन के प्राइस रेंज तो मैं यही बोलूँगा कि आप इज इज़ गुड बाय टू परचेज इन दिस ड्यूरेशन, एक महीने के अंदर आप परचेज करके रख सकते हो तो आपको पैसा मिल जाएगा। जी, फिर भी अगर ये माने कि मोटे तौर पर इस साल सीजन के लास्ट तक कॉटन के प्राइस किस तरह की एक रेंज आप मानते हैं कि ऊपर में ही हो सकता है या नीचे अगर मार्केट गया तो
तो क्या रेंज उसकी आ सकती है? देखो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मार्केट रेंज में। लास्ट ईयर सीसीआई ने 30 लाख घंटे प्रोक्योरमेंट की थी नाफेड और सीसीआई ने। इस साल डॉलर का रेट ऊंचा है और वो मार्केट में कितना प्रोक्योरमेंट करते हैं उसके हिसाब से ये जो ड्यूरेशन है आने वाला 2 महीना 2.5 महीना दैट फैक्टर यू हैव टू कंसीडर। बट वैकेंस है, दिस इज द टाइम, देयर इज टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। क्या आंध्र प्रदेश में इस समय सीसीआई की खरीद अच्छी है या किस तरह देखी जा रही है? सीसीआई भी एक्टिव नहीं है हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में, एक्टिव नहीं है। दे आर वेटिंग फॉर सपोर्ट प्राइस बट मोर और लेस थिंग इज और वी सीन दिस न्यू ट्रेंड इन आंध्र प्रदेश। द कॉटन इज कपास इज मूविंग टूवर्ड्स गुजरात इन वेरी बिग क्वान्टिटी। इट इज़ वेरी मच सरप्राइजिंग। अगर हम अगले 2-3 महीने के आउटलुक की बात करें तो यार्न के दामों में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? ये तो डिपेंड ऑन डॉलर प्राइस आल्सो, देर आर सो मेनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड, बट वी कैन से दिस इज द इट इज अराउंड नियर बाय बॉटम एरिया। कॉटन एंड यार्न इज वी कैन से इट इज गुड बाय प्रोडक्ट। जी आपने धीरज भाई commoditiescontrol.com से बात की, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।